सीहोर की कोतवाली थाना पुलिस ने पिछले दिनों लुनिया मोहल्ले में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्त कर 10 लाख रुपए का माल भी बरामद कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लुनिया मोहल्ले में विगत 16-17 नवंबर की मध्य रात्रि में चोरों ने सोने मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर साक्ष्य जुटाए। पूछताछ में संदिग्ध ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी सोने व चांदी के जेवरात बेचने की फिराक में थे। उससे पहले थाना कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा, जिनसे 10 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। एक चोरी हुई थी जिसमें काफी अधिक मात्रा में मशरूम का गया था। इसको चैलेंज के रूप में लेकर एडिशनल एसपी साहब की टीम ने, जिसमें सीएसपी और टीआई कोतवाली थे और साइबर टीम भी थी, साक्ष्य संकलन किया गया। उसके दौरान घटनास्थल के पास में रहने वाला एक युवक और एक थाना क्षेत्र का ही निगरानी सुना बदमाश, दोनों को इसमें संदेह पाया गया। सारे साक्ष्यों का मिलान करके और कहानी गढ़ी गई तो वो सिद्ध हुआ कि इनके द्वारा चोरी की गई है। इनसे चोरी में जो सोना और चांदी वो पूरा जब्त किया गया, लगभग 12 तोला इसमें सोना है, 1.5 किलो चांदी है और कुछ नकदी है, एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। कुल मसलों का 10 से 11 से 12 लाख।